हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। मेरा नाम है पीयूष कुमार और आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में क्या अंतर है, इन दोनों के होने से आपके चैनल पे किस तरह के इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है आपके चैनल को लेकर के, और इन दोनों के होने से आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। अगर आप नए यूट्यूब क्रिएटर हो तो आपका मोनेटाइजेशन 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच आवर के बाद ही इनेबल होता है। अगर आपका इससे पहले कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम आ जाता है तो क्या आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं, तो इन सब के बारे में मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ को हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोग कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में बात करने वाले थे और क्या क्या इन सब से फेस करना पड़ सकता है हमारे चैनल में, उन सब के बारे में बात करने वाले थे। पहले तो हम इन दोनों में अंतर जान लेते हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम में अंतर क्या है। तो पहले हम कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने वीडियोज़ पर किसी का भी कंटेंट का, कोई भी फोटो वीडियो या म्यूजिक, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में, तो इस सब सिचुएशन में कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक दोनों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कॉपीराइट स्ट्राइक जो मिलता है हमें वो हमारे चैनल पे 3 महीने तक रहता है। 3 महीने तक हमें उसे झेलना पड़ता है और उसी बीच अगर 3 महीने के अंदर में 2 और कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल पे अगर आ जाता है तो आपका चैनल यहाँ पे टर्मिनेट हो सकता है, यानी कि डिलीट हो सकता है। यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल को डिलीट कर दिया जाएगा। तो आपने जो भी मेहनत की होंगी अपने चैनल पर, जितने भी मेहनत किए होंगे, जो भी वीडियोज़ डाले होंगे, वो सबका सब डिलीट हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो कोशिश करना कि अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। ठीक है, तो ये अंतर है कॉपीराइट स्ट्राइक में। और मैंने कॉपीराइट स्ट्राइक को हटाने के बारे में बताया था, मेरे चैनल पे भी कुछ टाइम पहले कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, तो मैंने उस कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में और भी डिटेल में जानकारी दी थी। तो आप यहाँ पे आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें वहाँ पर बताई है मैंने। तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कैसे आप कॉपीराइट स्ट्राइक को हटा सकते हैं। तो आप कॉपीराइट क्लेम के बारे में जानते हो। कॉपीराइट क्लेम जो है वो अगर आपके चैनल पर आता है, आपके वीडियो पर आता है, तो इससे आपके चैनल को किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। आपका चैनल टर्मिनेट नहीं होगा, ना ही डिलीट होगा। बस एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे कि आपके जिस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आया हुआ होगा, उस वीडियो का जो भी इनकम होगा वो अगले पर्सन के पास चला जाएगा जिसने भी कॉपीराइट आपके वीडियो पर लगाया होगा। तो जो भी आपका उस वीडियो पर इनकम होगा, अर्निंग होगा, वो सारा का सारा उसी के पास चला जाएगा। ये है दोनों में अंतर। और इन सब से आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो प्रॉब्लम वही है कि आपका चैनल टर्मिनेट हो जाएगा, आपको फिर से मेहनत करना पड़ जाएगा। जो भी मेहनत आपने उस चैनल पे किया हुआ वो सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब हमारा प्रॉब्लम है। और कॉपीराइट क्लेम भी है, वो भी प्रॉब्लम ही है। आपका अर्निंग नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप तो अर्निंग के लिए ही यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग मोनेटाइजेशन के बारे में कि इन दोनों के होने पर आपका चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। तो यार, बिल्कुल मोनेटाइज होगा। इन सब दोनों से कोई लेना देना नहीं है आपके चैनल को मोनेटाइजेशन को लेकर के। अगर कॉपीराइट स्ट्राइक हो 3 से कम है तो आप मोनेटाइज कर सकते हैं, क्लेम भी है तो भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, मोनेटाइजेशन को लेकर के किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आने वाला। बस कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना है, उस तरह का कोई स्ट्राइक नहीं आना चाहिए कि आपका कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं हुआ। तो इन सबको आप फॉलो करोगे तो आपका चैनल बिल्कुल मोनेटाइज होगा, बहुत ही आसानी से आप मोनेटाइज कर पाओगे। अगर क्राइटेरिया आपका कंप्लीट है तो 4000 वॉच आवर और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है तो आप अपने चैनल को मोनेटाइज बहुत ही आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों, यही सब बातें हैं कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम आने से इन सबको फेस करना पड़ सकता है, इन सबके प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। तो यार, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आप अपने अगले वीडियो में।